ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 4 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ये CBI की टीम का एक सक्सेसफुल एफर्ट है और इस CBI की टीम में जिन्होंने योगदान दिया उनमें सबसे पहले नाम है मिस्टर सतीश डागर का, जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे मिस्टर एम नारायणन, जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की इस केस की और हमें इस केस को सक्सेसफुल, हमारे इस केस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मिस्टर राम गोपाल जो हमारे हेड ऑफ दी ब्रांच है CBI के, उन्होंने बड़ा साथ दिया और हमारे DLA मिस्टर SS यादव, उन्होंने पूरी सपोर्ट की, उन्होंने पूरा साथ दिया इस केस को सक्सेसफुल बनाने में और आज का जो नतीजा आया उसको लाने में। सर क्या कहा है CBI अदालत ने इस मामले में? आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह जो दो एक्यूज हैं उनको 302 और 120 भी IPC इसके तहत सजा की गई है, गिल्टी होल्ड किया गया है। कृष्ण लाल और गुरमीत सिंह को 120 भी 302 के तहत गिल्टी होल्ड किया गया है। इसके अलावा निर्मल सिंह को सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है और कृष्ण लाल को सेक्शन 29 ऑफ आर्म एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है। सर सजा 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 कब सुनाई जाएगी सर? सर मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है? सजा क्वांटम के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने 17 तारीख फिक्स की है, क्योंकि कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज स्टेट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लीट करनी थी, इसलिए 17 तारीख उन्होंने फिक्स की है। सर इस मामले में ये 17 तारीख से पहले आपको बता देंगे कहाँ पे कोर्ट होल्ड होगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में या जो भी और कहीं से भी ऑर्डर होगा कोर्ट को होल्ड करने का 17 तारीख को वहाँ आपको। वर्मा जी इस मामले में राम रहीम और कृष्ण लाल साजिश करता, अभी अभी तो सिर्फ उनको गिल्टी होल्ड किया, दोषी करार दिया गया है। उनका जब क्वांटम पे बहस होगी तो उनकी प्रोसीजर जो स्टेटमेंट होगी लीनियंसी की या जो भी है वो तब रिकॉर्ड की। मिनिमम सजा मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है और मैक्सिमम होती है डेथ सेंटेंस। जब बहस होगी हालात के मुताबिक हम उसको राम रहीम और कृष्ण लाल इस मामले में साजिश करता के तौर पर जो है वो माने गए हैं। हाँ जी हाँ। तो राम रहीम CBI की तरफ से 46 विटनेसेस एग्जामिन किए गए और डिफेंस की तरफ से अक्यूज की तरफ से 21 को इन तीनों अक्यूज को कहाँ रखा जाएगा? अभी तो इनको अंबाला जेल में रखा जाएगा। सर क्या हिरासत में ले लिया? फैसला सुनाते समय कोई तबियत खराब होने की भी मामला सामने आया कि किस तरह की? ऐसा 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 हमने कुछ नोट। राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे क्या सर? हाँ जी पेश हुए।